गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी के बचे हुए क्वेश्चंस है ना, जो हाफ ईयरली एग्जाम में आए हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय। तो हिमालय के 3 पैरेलल रेंजेस को एक्सप्लेन करना था, उनके बारे में बताना था। तो हिमालय के 3 पैरेलल रेंजेस हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। हिमाद्री जिसको हम लोग ग्रेट या इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, एक कंटिन्यूस रेंज है हिमालय का, और लॉफ्टीएस्ट पीक विथ एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। और इसमें पाई जाने वाली इस रेंज में जितने भी जो पीक्स हैं वो लगभग 6000 मीटर के एवरेज हाइट के हैं, और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जिसको कह सकते हो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर्स है, कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर्स है, ये हिमाद्री रेंज में ही पाई जाती है। द फोल्ड ऑफ दिस पार्ट आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, इट हैज़ पेरिनली स्नो बाउंड एंड गिव राइज टू अ नंबर ऑफ पेरिनियल रिवर्स, गंगा राइजेस फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। इसकी चोटियाँ वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं, और इससे निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनमें वर्ष भर पानी पाया जाता है। गंगा नदी भी हिमाद्री रेंजेस से ही निकलती है, गंगोत्री नाम के ग्लेशियर से। दूसरा जो है वो है हिमाचल या लेसर हिमालय। ये रेंजेस हिमाद्री के साउथ में है। दिस रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टरनेटेड रॉक्स। द एवरेज हाइट ऑफ लेजर हिमालय इज अबाउट बिटवीन 3700 to 4500। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पर्वतों की जो औसत ऊंचाई है वो 3700 से लेकर के 4500 मीटर्स के बीच में है। इस रेंजेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत रेंज। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर की जो प्रसिद्ध घाटी है वो भी इसी रेंज के अंतर्गत आती है। इसके अलावा कांगड़ा, कुल्लू घाटियाँ भी इसी रेंजेस में हैं। यह रेंज अपने हिल स्टेशन जैसे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, शिमला, इसके लिए भी फेमस है। इसके अलावा इस रेंज में फलों के बड़े बड़े बगीचे पाए जाते हैं। थर्ड रेंज है शिवालिक, जिसको हम लोग आउटर हिमालय भी कहते हैं। दिस रेंजेज एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हाइट बिटवीन 900 to 1100 मीटर। इस रेंज में 900 से 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पर्वत पाए जाते हैं। दिस रेंज आर मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड एंड अर्थक्वेक। ये रेंज जो है लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक के लिए ज़्यादा कह सकते हो जाना जाता है। दे आर मोर प्रोमिनेंट इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स आर कॉल्ड दून्स लाइक देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून। एक लॉन्गिट्यूडनल जो वैलीज है जो लेसर हिमालय शिवालिक के बीच में पाई जाती है उसको दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में था, व्हाट आर दून। सो थैंक यू फॉर टुडे, कल मिलते हैं आगे की वीडियो के साथ।